तो बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली पर न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हर खुलासा सबसे पहले न्यूज नेशन आप तक पहुंचा रहा है। रुक इस वक्त की बड़ी खबर का करते हैं। दीपिका पादुकोण 12 वकीलों की एक लंबी चौड़ी टीम से इस वक्त सलाह ले रही हैं। जब ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं, ये इसी वक्त की तस्वीर भी हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त दीपिका 12 वकीलों से सलाह ले रही हैं। दरअसल में करिश्मा के कबूलनामे से दीपिका बहुत ज्यादा नाराज हैं। वो खबर जो अब से पहले न्यूज नेशन ने, अब से थोड़ी देर पहले न्यूज नेशन ने ब्रेक की थी, उसके बाद अब यहां पर दीपिका की नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। दरअसल में चैट लीक होने से ही दीपिका नाराज हैं, जिसके बाद अब वो एनसीबी के रडार पर आ चुके हैं। एनसीबी का शिकंजा उन पर कस चुका है, और कैसे एनसीबी के शिकंजे से बचा जाए, कैसे इस ड्रग्स मंडली से बाहर निकला जाए, इसी के लिए 12 वकीलों की टीम से इस वक्त सलाह ले रही है। लेकिन यह ऐसा आसान नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से आ रही है कि जिस ग्रुप में ड्रग्स चैट का जिक्र होता था, उस व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन खुद दीपिका थी। ये व्हाट्सएप ग्रुप साल 2017 में बना था, और साल 2017 की ही वो चैट थी जिसमें दीपिका ने पूछा था करिश्मा से, माल है क्या। दरअसल में व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ था, जिसमें ड्रग्स को लेकर तमाम बातचीत होती थी, उस व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन खुद दीपिका थी। देखिए इस वक्त हम आपको ये वो चैट दिखा रहे हैं, ये साल 2017 का चैट है जिसमें ड्रग्स को लेकर यहां पर बात हो रही है दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश के बीच, जिसमें दीपिका पूछती हैं के यानी करिश्मा, माल यू हैव, तुम्हारे पास माल है क्या। और करिश्मा फिर जवाब देती है, मेरे पास है लेकिन घर पर है और मैं अभी बांद्रा में हूं। ये साल 2017 की व्हाट्सएप चैट है। और इस वक्त का एक बड़ा खुलासा जो न्यूज नेशन कर रहा है वो ये कि इस व्हाट्सएप के ग्रुप की जो एडमिन थी वो खुद दीपिका थी, यानी दीपिका बच नहीं सकती है एनसीबी के तमाम सवालों से। ये अब इस बड़े खुलासे के बाद तय माना जा रहा है, और इसका सीधा मतलब यह है कि कानून के तहत दीपिका पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। बड़ा खुलासा इस वक्त न्यूज नेशन कर रहा है। आपको 28 अक्टूबर 2017 की वो चैट दिखा रहे हैं जिसमें दीपिका पादुकोण माल के बारे में पूछती है, माल है क्या, अपनी मैनेजर करिश्मा प्रकाश से। और अब जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, यही दरअसल में वो ड्रग्स ग्रुप की जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी एडमिन खुद दीपिका पादुकोण थी। यानी कुल मिलाकर दीपिका अब काफी ज्यादा फंसती हुई नजर आ रही है। तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, रुमान हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, मुंबई से एनसीबी दफ्तर के बाहर से मेरे सहयोगी राकेश पांडे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और दीपिका पादुकोण के घर के बाहर से विकास श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ रहे हैं। विकास, सबसे पहले आपका रुख करेंगे, इस वक्त तो दीपिका का तनाव और ज्यादा बढ़ रहा होगा, शायद इसीलिए जो खबर आपने ब्रेक की है 12 वकीलों के साथ मंथन जारी है। जी बिल्कुल, दीपिका बहुत अच्छे से समझ चुकी हैं कि वो भारी मुसीबत में आ गई हैं, और इसी वजह से उन्होंने अब अपने लीगल टीम से मंत्रणा करनी शुरू कर दी। जब वो गोवा में थी तब भी वो अपने लीगल एक्सपर्ट के टच में थी, लेकिन अभी खबर यह आई है कि 12 वकीलों की एक टीम जो कि उनसे राय मशविरा कर रही है कि इस पूरे केस में आगे क्या किया जाए, क्योंकि वो जान चुकी हैं कि करिश्मा प्रकाश ने जो भी खुलासे एनसीबी को किए हैं, अब उसके बाद दीपिका पादुकोण के पास सफाई देने के लिए कुछ नहीं बच जाता। करिश्मा प्रकाश ने कबूल कर लिया है कि ड्रग्स चैट उनकी दीपिका के साथ हुई है, एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बना है जिसकी एडमिन खुद दीपिका रही हैं, और इस व्हाट्सएप ग्रुप में बातचीत होती है ड्रग्स को लेकर, तो और जो हैश और वीड इन तमाम ड्रग्स का जिक्र आया उसमें भी दीपिका की जो संलिप्तता है वो साफ नजर आती है। दीपिका इन आरोपों से इनकार नहीं कर पाएंगी अब कि वो ड्रग्स के इस काले कारोबार में शामिल थी ही नहीं, या फिर उन्होंने कभी ड्रग्स लिया ही नहीं, लेकिन इससे बचा कैसे जाए उसके लिए इस घर पर, अपने वर्ली के इस घर पर वो वीडियो चैट के जरिए 12 वकीलों से इस समय राय मशविरा कर रही हैं। उनके पति रणवीर सिंह भी इस वीडियो चैट में शामिल हैं। 12 वकील, एक नहीं दो नहीं बल्कि 12 वकीलों से ये मंत्रणा हो रही है कि कैसे कल जब एनसीबी के सामने वो पेश होंगी तो सवालों के जवाब किस तरीके से दिए जाएंगे। हमें ये भी खबर मिली अनुराग कि वो करिश्मा प्रकाश से बेहद नाराज हैं, वो जया शाह से भी नाराज हैं, वो ये समझती हैं कि उनके जो प्राइवेट चैट्स लीक हुए हैं वो इन्हीं दो लोगों के जरिए लीक किए गए हैं, और ये इंटेंशनली हुआ ऐसा उनका आरोप है। लेकिन ये सब पता लगाना एनसीबी का काम है, एनसीबी के जब सामने पेश होगी दीपिका तो एनसीबी के कठिन सवालों को किस तरीके से फेस करती है इसके लिए महज कुछ घंटों का इंतजार। जानकारी के साथ एक बार जरा तस्वीरें भी दिखाते रहिए आप। जी बिल्कुल, मैं वो घर दिखाना चाहता हूँ जो कि दीपिका पादुकोण का रेसिडेंस है, ये मुंबई के वर्ली जो कि बहुत ही पॉश इलाका है, वहाँ की बोमॉन्ड नाम की ये इमारत है, और यहीं के इसी इमारत के 26वीं मंजिल पर दरअसल
दीपिका पादुकोण का घर है जहां पर वो अपने पति रणवीर सिंह के साथ रहती हैं। ये घर उन्होंने 2010 में लिया था। 4 BHK फ्लैट है यहां पर, जिसका एरिया जो है वो 2774 स्क्वायर फीट बताया जाता है। ये घर उन्होंने खरीदा था 16 करोड़ रुपए में, लेकिन इस घर को खरीदने में उनके बैडमिंटन प्लेयर पिता हैं, उन्होंने मदद की थी। 2010 में घर खरीद लिया गया था, लेकिन शादी इनकी 2018 में होती है, उसके बाद वो इस घर में शिफ्ट हुई हैं। लेकिन इस समय वो बेहद तनाव में इसी घर में बैठी हुई हैं, जहां पर वो वीडियो चैट के जरिए जो 12 वकीलों की टीम है उनसे मंत्रणा कर रही हैं, उनसे परामर्श ले रही हैं कि कल जब वो जाएंगी NCB के सामने तो किस तरीके से NCB के सवालों का सामना करेंगी, क्योंकि वो लगभग एक्सपोज हो चुकी हैं। करिश्मा प्रकाश ने जिस तरीके से एक के बाद एक ये बताया है NCB को कि कैसे एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, चैट का ग्रुप बनता है, और जो ग्रुप बनाने का जो मकसद होता है ना अनुराग, वो यही होता है कि ग्रुप के सभी मेंबर एक पेज पर रहें और आपस में कोऑर्डिनेट कर सकें। तो क्या ड्रग्स खरीदने और उसका सेवन करने के लिए इस किस्म का ग्रुप बनाया गया, ये भी एक सवाल बनता है। तो ये तमाम सवालों के जवाब जो है दीपिका को कल NCB के दफ्तर में देने पड़ेंगे। फिलहाल इस समय उनके घर पर, जो कि 26वीं मंजिल पर है, बेहद तनाव का माहौल है, ऐसा हमें पता चला है। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच रुमान, अगर व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ भी आपत्तिजनक डाला जाता है तो सीधी जिम्मेदारी होती है उस एडमिन की भी जो उस व्हाट्सएप ग्रुप को चला रहा होता है, और यहां पर तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में ड्रग्स की बात हो रही है जिसकी एडमिन खुद दीपिका हैं। मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हैं। रुमान, आप सुन पा रहे हैं? जिरमान, मैं अपना सवाल दोहराता हूं, व्हाट्सएप ग्रुप पर अगर कुछ भी आपत्तिजनक डाला जाता है कंटेंट, तो उसकी सीधी जिम्मेदारी एडमिन की भी होती है, एडमिन की भी जवाबदेही तय होती है, और यहां तो व्हाट्सएप ग्रुप पर ड्रग्स की बात हो रही है जिसकी एडमिन खुद दीपिका है। मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती है दीपिका की। चलिए, लगता है गुरुमान तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन राकेश, अगर आपने मेरा ये सवाल सुना है तो इस सवाल का मतलब क्या आने वाले वक्त में? निश्चित तौर पर व्हाट्सएप ग्रुप में अगर कुछ भी आपत्तिजनक होता है तो वो सवाल तो एडमिन से पूछा ही जाएगा, उसकी जिम्मेदारी तो बनेगी ही। लेकिन आप देखिए, इस ग्रुप को बनाया था खुद दीपिका पादुकोण ने, उस ग्रुप में बातचीत क्या हो रही है, ड्रग्स के लेन देन को लेकर बातचीत हो रही है। यहाँ ये भी ध्यान देना होगा अनुराग कि आखिरकार व्हाट्सएप ग्रुप बनाया क्यों जाता है। अगर एक या दो लोगों से कोई जरूरी बातचीत करनी है तो हम आमतौर पर 1-to-1 मैसेजेस कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें लंबी किसी प्लानिंग का हिस्सा होना होता है या फिर हम लंबी एक कोई पार्टी रखते हैं, कई लोगों को एक साथ कम्युनिकेट करना है, तो हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। कोई कम्युनिकेशन करना है जिसमें कई लोगों से एक साथ बातचीत जरूरी है तो उसमें हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो बात आज कबूल ली है करिश्मा प्रकाश ने, जो उन्होंने ये कह दिया है कि ठीक है, ये चैट हुई थी, ये चैट उन्होंने की थी, व्हाट्सएप ग्रुप की बातचीत कर दी है, व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन दीपिका थी। अब कल दीपिका पादुकोण से दो बड़े सवाल क्या होंगे? बड़े सवाल ये होंगे कि करिश्मा ने मान लिया आपने भी चैट किया है और ये एविडेंस है, इसमें ना मानने वाली कोई बात नहीं, तो बड़ा सवाल ये होगा क्या आपने ड्रग कंज्यूम कर लिया है। ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना अनुराग कि कल दीपिका पादुकोण इसका जवाब क्या देती हैं। अगर वो कहती हैं कि हाँ मैंने ड्रग्स कंज्यूम किया था, तो हो सकता है कि धाराएं थोड़ी सी उनके लिए राहत भरी हों, लेकिन अगर वो ये कहती हैं कि नहीं मैंने ड्रग्स कंज्यूम नहीं किया था, तो अगला सवाल होगा कि ड्रग्स का क्या हुआ, ड्रग्स क्या आपने किसी और तक पहुंचाया। और अगर ये बात सामने आती है तो निश्चित तौर पर ये दीपिका पादुकोण के लिए मुश्किल भरी बात हो जाएगी। एक बात और, अगर दीपिका पादुकोण ये कहती हैं कि नहीं ड्रग्स का इस्तेमाल मैंने नहीं किया, ड्रग्स कहीं और गया, तो आपको याद होगा रिया चक्रवर्ती के साथ भी ऐसी ही कंडीशन थी। आप फिर रोमांस से जुड़िएगा तो जरूर ये सवाल पूछिएगा, क्योंकि क्राइम से जुड़े मामलों की उन्हें ज्यादा बेहतर समझ है, ज्यादा धाराओं के बारे में वो मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन क्या स्थिति तब होगी अनुराग? रिया चक्रवर्ती ने भी पहले कहा था कि मैंने ड्रग कंज्यूम नहीं किया, आपको अच्छे तरीके से याद होगा। इसके बाद मामला उनके खिलाफ होता चला गया और अभी तक देखिए उन्हें बेल नहीं मिल पा रही है, अभी तक वो लगातार जुडिशियल कस्टडी में चली जा रही है। तो क्या हालत ये कल के बाद दीपिका पादुकोण की होने वाली है? और अगर ऐसी स्थिति आती है तो क्या दीपिका पादुकोण को रिया चक्रवर्ती की तरह जुडिशियल कस्टडी में जाना पड़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है। और जो आप जिक्र कर रहे थे विकास से, और विकास जो जिक्र कर रहे थे, जो बड़ी खबर उन्होंने दी है कि अगर उन्हें 12 वकीलों के साथ बैठकर उन्हें मंथन करना पड़ रहा है, 12 वकीलों की एक लंबी चौड़ी फौज बुलाकर उन्होंने कानूनी मामलों की समझ और सलाह लेनी पड़ रही है, तो उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि कल दीपिका पादुकोण के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति होने वाली है, जब उनसे ये सवाल किए जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप को लेकर सवाल किए जाएंगे, चैट को लेकर सवाल किए जाएंगे, और जाहिर सी बात है उसके बाद अगला सवाल यही होगा, आपने ड्रग लिया या नहीं लिया। क्या जवाब देंगी दीपिका पादुकोण, लिया या फिर नहीं लिया? फंसेंगी दोनों में, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा अनुराग।
कि इस सवाल का और अकेले इस सवाल का जवाब काफी हद तक तय करेगा कि दीपिका पादुकोण के साथ आगे एनसीबी और कितना सख्त होने वाली है। बिल्कुल, कुछ आंकड़े भी हम आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले रुमान अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं, एडमिन अगर दीपिका है उस ग्रुप की जिसमें ड्रग्स की बात होती है, आईटी एक्ट के तहत भी मुश्किलें कहीं ज्यादा बढ़ सकती है दीपिका की। देखिए बिल्कुल, आईटी एक्ट के तहत भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एडमिन है वो खुद ही ड्रग्स की बात कर रहा है, हैश की बात कर रहा है, करिश्मा से ड्रग्स मंगाई जा रही है और करिश्मा ने इस बात का खुलासा कर दिया है। जो ड्रग्स चैट की बात है वो कबूल ली है, करिश्मा ने अपना कबूलनामा दे दिया है। हालांकि पहले वो सहयोग नहीं कर रही थी, लेकिन जब एनसीबी ने सख्ती से पूछताछ की तब उसने तमाम राज उगले हैं, इसके अलावा भी कई और जानकारियां दी हैं। लेकिन अभी जो इससे पूछताछ चल रही है वो सबसे महत्वपूर्ण है कोको पार्टी के बारे में। कोको पार्टी का जिक्र भी चैट में किया गया था, वो व्हाट्सएप ग्रुप जिसकी एडमिन दीपिका थी, जिसमें जया शाह थी, जिसमें करिश्मा थी। सीधे तौर पर अगर कोको पार्टी का राज करिश्मा खोलती है एनसीबी के सामने तो कई और लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि उस पार्टी में कई बड़े सितारे मौजूद थे और दीपिका अगर वहां पर ड्रग्स लेकर गई हैं, ऐसा साबित होता है क्योंकि ऐसी आशंका है कि उस पार्टी में भी ड्रग्स ली गई थी, तो दीपिका के ऊपर सिर्फ कंजप्शन के अलावा पेडलिंग के चार्जेस भी लग जाएंगे। बिल्कुल रुमान, तो यहाँ पर बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी रुमान साझा कर रहे हैं और बेहद बड़ी खबर इस वक्त हमारे सहयोगी विकास ने यहाँ पर ब्रेक की है। 12 वकीलों के साथ इस वक्त दीपिका पादुकोण अपने फ्लैट में मंथन कर रही हैं, लेकिन इन सब के बीच ये भी समझना जरूरी है कि आरोप अगर साबित होते हैं तो दीपिका को सजा कितनी हो सकती है। सेक्शन 20B के तहत 1 साल की सजा हो सकती है दीपिका पादुकोण को। ड्रग्स ली है तो 1 साल की जेल यहां पर दीपिका पादुकोण को होगी, लेकिन अगर यह साबित होता है कि ड्रग्स दीपिका ने किसी और को दी है, ड्रग्स बेची हैं, किसी और को भेजी हैं, तो 10 साल तक की सजा यहां पर दीपिका पादुकोण को हो सकती है। यह एनसीबी की आगे की जांच पर निर्भर करेगा, यह बाकी तमाम जांच एजेंसियों की आगे की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा कि किस तरीके से दीपिका पर शिकंजा कसता है, किस तरीके से दीपिका के खिलाफ और ज्यादा सबूत जुटाए जाते हैं। अभी क्या सबूत है इस वक्त के, ये आप जान लीजिए। दरअसल में करिश्मा जो दीपिका की मैनेजर है उसने कबूला है कि हाँ हमारी बात हुई थी, दीपिका से बात होती थी, हमारी बात ड्रग्स पेडलर अनुज केसवानी से हुई थी, ये बात करिश्मा ने कबूली है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और करिश्मा ने ही दीपिका का नाम लिया है ड्रग्स के कनेक्शन में। दीपिका ग्रुप की एडमिन थी, उस व्हाट्सएप ग्रुप की जिस पर ड्रग्स की बात हो रही थी। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज नेशन आप तक पहुंचा रहा है और अगर ये सब बातें साबित हो जाती हैं एनसीबी की जांच में तो मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी दीपिका की, ये तय माना जाए। दरअसल में ये वो व्हाट्सएप ग्रुप है जो साल 2017 में बना, आज से 3 साल पहले। सबूत क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन तमाम सबूतों के साथ साथ जो गवाह हैं यहाँ पर, कोरोबेटिव एविडेंस है वो यहाँ पर साफ साफ नजर आता है। दीपिका की अक्टूबर 2017 की वो व्हाट्सएप चैट जिसमें खुद दीपिका कहती है अपनी मैनेजर से माल है क्या, और यहाँ पर ड्रग्स की बात हो रही थी और इनकार नहीं कर सकती है दीपिका क्योंकि ये मालिकाना हक वाले फोन से चैट की जा रही थी दीपिका के द्वारा। अब सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिल रही है कि जो पेडलर्स थे उन्होंने भी पूछताछ में जिक्र किया है दीपिका का, जिसके बाद एनसीबी का जो रडार है वो कहीं ज्यादा दीपिका पर फोकस हुआ है, दीपिका पर शिकंजा कहीं ज्यादा कसता जा रहा है। ड्रग्स नहीं ली, ये बात अब खुद दीपिका को साबित करनी होगी कि उन्होंने कभी भी ड्रग्स नहीं ली है, लेकिन अगर ड्रग्स नहीं ली है तो फिर करिश्मा से ड्रग्स मांग क्यों रही थी, और अगर ड्रग्स किसी और के लिए मांग रही थी तो आरोप और ज्यादा गंभीर हो जाते हैं दीपिका के ऊपर। लेकिन दीपिका फंसी कैसे, दीपिका इस पूरे मामले में एनसीबी के रडार पर आई कैसे, ये आप देखिए जरा। दरअसल में अक्टूबर 2017 की वो चैट जिसमें डी और के नाम से चर्चा हो रही है, बात हो रही है, एनसीबी सूत्रों के मुताबिक डी का मतलब है दीपिका और के का मतलब है करिश्मा, करिश्मा मतलब दीपिका की मैनेजर, जिनके बीच में ड्रग्स को लेकर बात हो रही है। दीपिका अक्टूबर 2017 में इस चैट में 28 अक्टूबर 2017 को इस चैट में पूछती है करिश्मा से कि क्या माल है आपके पास, करिश्मा कहती है कि हाँ मेरे पास माल है, माल घर पर है, लेकिन अभी मैं बांद्रा में हूं, यानी कि माल करिश्मा के पास था जिसको दीपिका के पास पहुंचाया गया, ये अब एनसीबी की जांच में आगे पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर ड्रग्स लेने का ठोस सबूत अगर साबित हो जाता है तो मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। ड्रग्स की मात्रा कितनी है ये भी साबित करना होगा एनसीबी को अपनी जांच में कि कितनी ड्रग्स ली, ड्रग्स का इस्तेमाल क्या खुद किया या फिर ड्रग्स को बेचा गया या किसी और को दिया गया, और अगर ये सब कुछ साबित हो जाता है तो फिर दीपिका को सजा होगी ये तय माना जा सकता है। ड्रग्स सिंडिकेट साबित यहां पर हो जाएगा अगर ये सारे सबूत एनसीबी अपनी जांच में जुटा लेती है तो। और हिंदुस्तान में इस पूरे मामले से जुड़े जो कानून है वो बेहद सख्त है, 10 साल तक की सजा यहां पर हो सकती है दीपिका को भी अगर इस तरीके से जो तमाम चीजें हैं
वो साबित हो जाती हैं। तो न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है, हर अपडेट सबसे पहले न्यूज नेशन आप तक पहुंचाएगा। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। तो बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली को लेकर न्यूज नेशन एक के बाद एक लगातार बड़े खुलासे कर रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज नेशन आप तक पहुंचा रहा है। दरअसल में जिस व्हाट्सएप ग्रुप पर ड्रग्स की बात हो रही थी, उस व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन खुद दीपिका थी। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज नेशन आप तक पहुंचा रहा है। और ये ग्रुप बना था साल 2017 में, अक्टूबर 2017 में ही दीपिका पादुकोण करिश्मा अपनी मैनेजर से ड्रग्स की बात कर रही थी। और दरअसल में जो व्हाट्सएप ग्रुप जिस पर चर्चा हो रही थी, उस ग्रुप की एडमिन खुद यहां पर दीपिका है। न्यूज नेशन की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर ये हम आपको देखे, जरा ये वो चैट है जहां पर करिश्मा से अक्टूबर 2017 में दीपिका पूछती हैं कि क्या माल तुम्हारे पास है। ये अक्टूबर 2017 की आज से तकरीबन 3 साल पुरानी चैट है, जिसके बाद दीपिका, देखिए जरा हम आपको और दिखा रहे हैं चैट, आप देख सकते हैं दीपिका कह रही है कि हैश के बारे में बात हो रही है, वीट के बारे में बात हो रही है, यानी माल का मतलब क्या है ये सीधे तौर पर यहाँ पर समझ में आ रहा है। इस सब के साथ साथ करिश्मा कहती है कि हाँ मेरे पास माल है, लेकिन वो मेरे घर पर है और मैं अभी बांद्रा में हूँ। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, करिश्मा ने दीपिका से ड्रग्स चैट हुई, इस बात को कबूल लिया है। करिश्मा ने कहा है कि हाँ दीपिका ने हैश मुझसे मांगा था 2017 में, दीपिका की ड्रग्स से जो चैट, ड्रग्स को लेकर जो बात हुई थी उसको यहाँ पर कबूला है करिश्मा ने। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। तो एक तरफ जहाँ रकुल ने रिया के साथ अपनी बातचीत को कबूला है, वहीं दूसरी तरफ करिश्मा ने भी इस बात को कबूला है कि दीपिका से 2017 में ड्रग चैट हुई थी। तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। रुमान, करिश्मा का ये कबूलनामा दीपिका के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल, करिश्मा से जो पूछताछ हो रही है वो दीपिका की परेशानी हर जवाब के साथ करिश्मा के बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो ड्रग्स चैट थी वो सीधे तौर पर करिश्मा ने कबूल कर लिया है कि जो ग्रुप में चैट हो रही थी उसकी ग्रुप की एडमिन दीपिका पादुकोण थी, इसमें जया शाह थी, इसमें करिश्मा थी। अनुज केसवानी जो ड्रग डीलर है उसने नाम लिया था करिश्मा का, जिसके बाद ये सब रडार पर आई थी। सीधे तौर पर अनुज केसवानी से भी बात करने की बात करिश्मा ने मानी है, जो ड्रग पेडलर है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोको पार्टी और दूसरे तमाम सवालों के जवाब जो अब करिश्मा दे रही हैं, वो दीपिका की परेशानी हर जवाब के साथ बढ़ाती जा रही हैं। बिल्कुल राकेश, मैं आपके पास भी आऊंगा और आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जरा तस्वीरें भी दिखाइएगा, लेकिन उससे पहले विकास, इस वक्त क्या कुछ हलचल दीपिका के घर के बाहर, जहां लगातार 12 वकीलों से वो मंथन कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए बोमॉन नाम की इमारत जिसमें वो रहती हैं, मुंबई के पॉश वर्ली इलाके में, उसी की 26वीं मंजिल पर उनका फ्लैट है। और हमें ये पता चला है कि इस वक्त वो लगातार अपने लीगल टीम के संपर्क में है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि जिस तरीके से वो फंस गई हैं, उसके बाद एनसीबी के सवालों का जब उनको सामना करना पड़ेगा तो उनके पास क्या जवाब होने चाहिए। जी, एक नहीं दो नहीं बल्कि 12 वकील इस वीडियो चैट में मौजूद हैं जिनसे वो बातचीत कर रही हैं। उनके साथ उनके पति रणवीर सिंह भी हैं और वो लगातार ये देख रही हैं और समझ रही हैं कि करिश्मा प्रकाश कैसे उन्हें पूरी तरीके से एक्सपोज कर चुकी हैं एनसीबी के से हुई पूछताछ में। करिश्मा प्रकाश ने सबसे पहले तो अनुज केशवानी से बातचीत की बात कबूल कर ली, और इसके बाद ये भी कबूल कर लिया कि व्हाट्सएप ग्रुप में जो बातचीत होती थी उसकी एडमिन खुद दीपिका पादुकोण थी। बिल्कुल, तो विकास माफ कीजिएगा, वक्त थोड़ा कम है, आपको रोक रहा हूं यहां पर। राकेश, दीपिका के घर के बाहर तो अभी सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन एनसीबी के दफ्तर के बाहर इस वक्त क्या कुछ स्थिति है? एनसीबी का दफ्तर मेरे ठीक पीछे है, रकुलप्रीत यहां से निकल गई, लेकिन करिश्मा प्रकाश जिसका लगातार जिक्र हो रहा है अनुराग, करिश्मा प्रकाश अभी भी इस दफ्तर के अंदर हैं। लगातार उनसे पूछताछ हो रही है, उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं, और जो सबसे अहम बात है जिसका जिक्र रुमान कर रहे थे, वो अब उस कोको बार कोको पार्टी को लेकर सवाल है कि आखिरकार उस पार्टी में ड्रग्स लिया गया, कैसे लिया गया, क्या कुछ हुआ उस पार्टी में। और अगर करिश्मा प्रकाश इस पार्टी को लेकर कोई बड़ा खुलासा कर देती हैं तो कई बड़े और नाम खुलकर सामने आ सकते हैं, क्योंकि आपको वो तस्वीरें याद होंगी जब न्यूज नेशन ने वो तस्वीर दिखाई थी कि उस पार्टी में कौन कौन पहुंचा था, उसकी एक्सक्लूसिवली तस्वीरें सामने आई थी। यानी अगर करिश्मा प्रकाश, जो कि उन्होंने खुलासा किया है कि व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन थी, व्हाट्सएप चैट हुई थी ड्रग को लेकर, जी उसमें दीपिका पादुकोण एडमिन थी, वही अगर ये खुलासा कर देती है कोई बड़ा कोको बार को लेकर, तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा डेवलपमेंट होगा। और ये व्हाट्सएप ग्रुप बना क्यों था अनुराग? व्हाट्सएप ग्रुप बना था ड्रग्स के लेन देन के लिए। उस व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन कौन थी,
दीपिका पादुकोण यानी सन्नाटा वहां जरूर है, लेकिन बिल्कुल राकेश तो करिश्मा से अभी कुछ और बड़े खुलासों की उम्मीद यहां पर की जा रही है। न्यूज नेशन, माफ कीजिएगा राकेश, आपको रोक रहा हूं, न्यूज नेशन लगातार इस बड़ी खबर पर बना हुआ है, हर अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे, रुक रहे हैं यहां पर कुछ देर के लिए।